हेलो एवरीवन वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस आज फिर से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इसके बाद फिर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ओके तो हमें पढ़ना है एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी एंड पॉलियम के बारे में पहले हम एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी देखेंगे उसके बाद पॉलियम ठीक है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा ओके आई एम सॉरी इसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गई थी पर आपको मैं स्क्रीन पे दिखा चीजें इसमें बहुत सिंपल चीजें थी इसलिए मैंने डायरेक्टली डेफिनेशन वाइज इसमें दिखा दे रही हूँ साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी वीडियो में ओके सो ठीक है स्टार्ट करते हैं देखो एपोमिक्सिस क्या होता है एपोमिक्सिस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन आपने तो सुना था अभी तक मैंने आपको यही बताया था कि ओव्यूल से सीड बनता है तब जबकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए एम्ब्रियो डेवलप होने लगे तब ओव्यूल से क्या बन जाता है सीड बन जाता है लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैं बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना दूंगा ऐसी प्रोसेस जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस ठीक है तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन है क्या है आपका एपोमिक्सिस इसके आपको दो एग्जांपल मात्र याद रखने हैं एक तो होता है एस्टरेसी एस्टरेसी फैमिली ये एक फैमिली का नाम है जैसे हमारी फैमिली होती है ना या आप अपने पापा की फैमिली के सारे मेंबर्स हो तो ऐसे ही एस्ट्रेसी फैमिली है जिसमें बहुत सारे कि सनफ्लावर सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली में आता है सेकेंड होते हैं ग्रासेस जितने भी घास है ना ग्रासेस उन सब में क्या होता है एपोमिक्सिस हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड फॉर्मेशन हो सकता है ठीक है ऐसा ही कुछ मिलता जुलता डेफिनेशन है पार्थेनोकार्पी का पार्थेनोकार्पी मतलब होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के जब ओवरी से फ्रूट बन जाए तो उसे हम क्या कह देंगे पार्थेनोकार्पी जिन भी फ्रूट्स में आपको सीड नहीं नजर आते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल एग्जाम्पल योर बनाना ओके बनाना और आपके ग्रेप्स ये सब किसके एग्जाम्पल है के इनमें क्या होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है नॉर्मली होना तो ये चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोड बना तो ओवरी बन जाती है फ्रूट ओव्यूल बन जाता है सीड लेकिन ये भाई साहब दोनों क्या कह रहे हैं कि हमें फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है हमें कोई महत्व नहीं है फर्टिलाइजेशन का हम बिना फर्टिलाइजेशन के अपना काम करेंगे ठीक है सो so, एक बार अगेन मैं दोहरा देती हूँ इस चीज को एपोमिक्सिस इज इज अ प्रोसेस इन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल एस्टरेसीटरेसी में सनफ्लावर आते हैं पार्थेनोकार्पी इज अ प्रोसेस इन विच फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन लाइक बराना एंड ग्रेप्स जिसमें भी सीड नहीं होते वो सारे फ्रूट्स आप गिन सकते हो क्लियर आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज योर पॉली एम्ब्रॉयनी पॉली एम्ब्रॉयनी मतलब क्या होता है नॉर्मली क्या होता है एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो बनता है एक ही एक्सेल होता है एक ही एम्ब्रियो बनता है लेकिन इसमें क्या हो जाता है जो आपका ओव्यूल था ना ओव्यूल था उसके किनारे किनारे जो न्यूसेलस होती है याद करो यहाँ पे न्यूसेलस होती थी न्यूसेलस कुछ नहीं है बस सेल्स हैं ओव्यूल के ठीक है तो जो न्यूसेलस होती है वो भी क्या बना देती है एम्ब्रियो अंदर तो एम्ब्रियो बन ही रहा था यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक था उसके अंदर तो एम्ब्रियो बनी रहा था लेकिन साथ साथ में क्या हो जाता है न्यू सेल्स भी एम्ब्रियो बना देती है तो यहाँ पे क्या बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे न्यू एम्ब्रॉयस ऑल्सो डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रे अलॉन्ग एम्ब्रियो सैक तो क्या होगा बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉली एम्ब्रॉयनी ओके द प्रोसेस इन विच न्यूसेलस द सेल्स ऑफ न्यूसिलस फॉर्म एम्ब्रे एलोंग विद्रियो सैक दोसेस इज नोन एज योर पॉलीम्रॉइनिंग और इसका एग्जाम्पल होता है आपका जाना पहचाना मैंगो ठीक है मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट्स जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका संतरा जैसे कि आपके नींबू ये सब क्या हो जाएंगे ये सब इस फैमिली में आ जाएंगे इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे पॉलिम ड्रॉइंग पॉलीम ब्रॉय पॉली मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो का बनना ठीक है नॉर्मली एक बनता है लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे बहुत सारे बन जाएंगे एक ही ओव्यूल में सो दैट इज पॉलियम ड्रॉइनिंग ओके सो ये सारा चैप्टर आपका खत्म हो गया आई होप आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आया होगा मैंने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बताई हैं आज ये नोवल लेक्चर है इस चैप्टर का नाइन लेक्चर में हमने फिनिश कर दिया नेक्स्ट आपका होने वाला है थर्ड चैप्टर दैट इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको हम पढ़ेंगे उसको भी बहुत जल्दी हम फिनिश कर लेंगे सो वन बाय वन मैं आपके हर चैप्टर फिनिश करा दूंगी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी शुरुआत के कुछ चैप्टर में टाइम लग रहा है लास्ट के चैप्टर्स में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दो दो दिन में चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे स्पेशली जो आपका इकोलॉजी वाला चैप्टर्स है ठीक है यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में